Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and this side is Lochan. आज जो हम आर्टवर्क करने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए इस टाइप की टू सेम बॉटल्स और इसके ऊपर पेंट करेंगे हम वाइट चॉक पेंट्स है। आपके पास इस शेप की सेम बॉटल्स ना हो तो आप सिंपल कोई भी दो बॉटल्स सेम ले सकते हैं, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। वाइट चॉक पेंट को अप्लाई करने के लिए आप डैबर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास डैबर नहीं है तो आप सिंपली कोई भी स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हैं। जब दोनों बॉटल्स पर बेस कलर कंप्लीट हो जाए तो इन्हें अच्छे से ड्राई होने दें। नाउ यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ प्रिंटआउट्स और ये बिल्कुल प्लेन पेपर पर निकले हुए प्रिंटआउट हैं एंड इन्हें स्टिक करने के लिए हम यूज़ करेंगे फेविक्रिल मॉड पॉज। आप यहाँ पर फेविकॉल या फिर वाइट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं बट बहुत बार इनमें रिंकल्स आ जाते हैं तो बेस्ट यही है कि आप मॉड पॉज यूज़ करें। जब प्रिंटआउट को हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे तो अच्छे से सारे रिंकल्स निकालने हैं और किसी भी ड्राई ब्रश से हमें इसे अच्छे से स्टिक करना है। फर्स्ट स्टिक करने के लिए हम ड्राई ब्रश यूज़ करेंगे और जब वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा, सारे रिंकल्स निकल जाएंगे, उसके बाद हम मॉड पॉज वाला ब्रश यूज़ करेंगे एंड ब्रश को काफ़ी लाइटली चलाना है। अगर आप इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो आपका पेपर बाहर निकल जाएगा। इस बॉटल पर जो डिज़ाइन था उसके अंदर हमने इस प्रिंटआउट को स्टिक किया है तो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि एजेस पर अच्छे से कवर नहीं हुआ है वहाँ पर आप ब्लैक कलर से अच्छे से इसे फिल कर दें एंड यहाँ पर हेयर्स को भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ कलर से। गाइज, अगर आपको ये ट्यूटोरियल थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में भी इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस में लेकर के आऊँगी। आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दोनों बॉटल्स पर कलर फिल करने के बाद में यहाँ पर ग्लासेस के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे राउंड मिरर। इन्हें आप फेविकोल से स्टिक कर सकते हैं। नोज पिन एंड नेकलेस को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ गोल्डन फेविक्रिल 3D आउटलाइनर। इन सभी मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं एंड सेम प्रिंटआउट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बॉटल को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वूलन थ्रेड। आप यहाँ पर जूट रोप या कोई भी टाइप का और दूसरा थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। जब आर्टवर्क अच्छे से ड्राई हो जाए तो इनमें से आप कोई सा भी वार्निश यूज़ कर सकते हैं। आप स्प्रे वार्निश यूज़ कर सकते हैं या लिटिल बर्डी का डेकोर वार्निश यूज़ कर सकते हैं एंड इट्स रेडी। इस तरह की वीडियो और देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।